लालू यादव का पैदाइश है। चलाओ गोली चलाते हो तो चलाओ चलाओ गोली चलाओ। इस तरीके से लगातार बिहार में केवल यही बच्ची नहीं, इसमें दान पात्र भी, हमने एक आयांश जो लड़का है, जो बच्चा छोटा सा, उसको एक वैक्सीन का ज़रूरत है। हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हम ये छात्र नौजवान और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, तो मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, वो 16 करोड़ नहीं दे सकता है। सरकार चाहेगा तो 16 करोड़ अभी उपलब्ध करा के वैक्सीन मंगा के दे दे, इतना लेट क्यों किया जा रहा है। 16 करोड़ का जो अगर वैक्सीन आता है और उससे आदमी का जान बच रहा है, इसी समय में जब रामदेव बाबा जो थे, रामदेव बाबा को अपना ब्रांडिंग कराना था, दवा का प्रचार कराना था, तब विरोधी लोगों को, बीजेपी वाले लोग, आरएसएस के लोग, उनको घेरने का काम किए कि मनुष्य का हड्डी मिलाता है। जब तो पिताजी ने उनका बचाव करने का काम किया उस समय में, कि अगर मनुष्य का हड्डी मिलाता है, उससे आदमी स्वस्थ हो जाता है, तो आपको क्या दिक्कत है। पिताजी ने उठाया था ना इस बात को, सब लोग जानते हैं। तो सरकार के पास जब क्षमता है पूरे तरीके से दमखम के साथ, और सरकार जो इतना घोटाला कर करके जो बैठा हुआ है, और ये जो महिला है, ये जो बहन बैठी है, जो बेटी यहाँ बैठी हुई है, ये अपना बेटी को क्या, ये जानती थी बेटी की यहाँ पे आकर के बोलेगी ये सब बात। पढ़ने लिखने का इसका उम्र है, एक और बहन है इसकी, दो को बहन है। तो ये देख लीजिए कि पूरे तरीके से सरकार के ही लोग ये सब घिनौना से घिनौना हरकत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के आप लोग तमाम लोग हैं, इनकी आवाज़ को हम उठाने का काम करेंगे, और सड़क से लेकर सदन तक घेराव होगा, भयंकर लेवल का घेराव होगा। हर किसी माई के लाल में हम सरकार से को चुनौती देने का काम करते हैं कि सरकार के मंत्री ने इन्होंने जो नाम लेने का जो काम किया है, कोई दावा के साथ नहीं। आपको याद होगा कि इसी जनता दरबार में एक महिला के लिए हमने थाना पे चढ़ाई करने का काम किया, और ये महिला यहाँ पे रो रही है, चीरहरण हुआ है इसके साथ, दुशासन ने इसके साथ चीरहरण करने का काम किया है, और सरकार वहां बैठ करके, आज जो मंत्री है, जो श्रवण कुमार का जो नाम लेने का जो काम हुआ, वैसे मंत्री को, सरकार को शर्मसार हो गई है पूरे तरीके से, जो लोकतंत्र की जो धरती है। ये हम बोलना चाहते हैं सरकार को, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं देगा तो ये तेज प्रताप यादव जो लालू यादव का पैदाइश है, ये पूरे बिहार में आंदोलन करने का काम करेगा। चलाओ गोली चलाते हो तो चलाओ चलाओ गोली चलाएगा, इसकी बाट को उठाने का काम हुआ आंदोलन का। अब बिगुल फूको, तुम आंदोलन करवाओ पूरे बिहार में, इसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरीके से पूरे तरीके से घिनौना हरकत इन लोगों ने करने का काम किया इस बच्ची के साथ और इनके साथ, पूरे तरीके से समाज है। ये कोई नहीं, वही हाफपैंट वाले, वही आरएसएस वाले, वही भगवा पार्टी, नाथूराम के गौडसे के जो वंशज है, जो महात्मा गांधी जी को हत्या करने का काम किया था, वही उन्हीं लोग के वंशज के साथ इस तरीके का काम हुआ। ये इनके साथ क्या हो रहा होगा, इनका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। आपके साथ क्या होगा वो दर्द कोई और दूसरा नहीं समझ सकता, तो यही समझ रही हैं। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, लगातार ये महिला दौड़ रही है, हमारे पास भी आई महिला, अपना बात इन्होंने रखने का काम किया पूरे तरीके से जोश खरोश के साथ। ये जो नाथूराम गोडसे के जो वंशज हैं, ये आप लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थानों, बढ़िया आप लोग सब लोग पूरे तरीके से बैठे दमखम के साथ। हम पूरे तरीके से जहाँ जहाँ छात्र हैं, चाहे दिल्ली में है, हमारी बहन यहाँ बैठी है कंचन यादव जी, जो यहाँ पे दिल्ली में है, वहाँ से भी जेएनयू में इनके